हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली 9:50 हो गए और एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। कल का वीडियो भी अपलोड किया मैंने, देखो अपना कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सुबह 8 आ जाएगी और ये शॉर्ट्स 11:15 आ जाएंगे। तो अपना यही रूटीन है भाई, अब चलेंगे घर में खाना खाएंगे, तैयार होंगे और फिर निकल जाएंगे गाड़ी क्लीन वगैरह करके, सीएनजी भर के फिर से आज के काम पे बूम में। तो चलिए भाई चलते हैं, ये अपना शॉप आपको तो पता है। तो चलिए अब शॉप बंद करते हैं, 10 क्लोज करेंगे और यहाँ से निकलेंगे और बूम बाम करेंगे जाके भाई उधर। फ्रेंड आ गए घर में भाई, फर्स्ट फ्लोर पे अपना घर है, अपना बेडरूम। अरे मेरी बेटी आ रही है, चुप काट के आ रही है भाई। ये अपना टीवी देख रहे लोग, क्या देख रहे लोग भाई, कार्टून पार्टून क्या देखते भाई, ये लोग कुछ समझ में नहीं आता है। क्या देख रही हो, ये क्या है? तो चलिए खाते हैं। ये मेरे दादा दादी की तस्वीर भाई, ये मेरे दादा दादी की तस्वीर है। तो अब चलते हैं खाते हैं। ये अपना थर्ड फ्लोर, अपना थर्ड स्टेयरिंग भाई, हाँ यहाँ से थर्ड फ्लोर जाते हैं अपना। अभी कोई नहीं है भाई, सब गांव गए, बताने वाला सब अपने घर पे, शादी है तो सब गांव पे। एक अपनी सेलेरियो गाड़ी भाई भी लेके गया। और ये अपना ग्राउंड फ्लोर तो था ही भाई, अपने देखा था। तो चले फ्रेंड खाते हैं। आज खाने में देखो क्या है यार, आज रूखा सूखा खाना पड़ेगा लगता है। अपने सादा जिंदगी भाई, जो मिल जाए वो खा लेते हैं चुपचाप, क्या करें। तो आज बना है भाई ये उत्तप्पा बना है, मजा आ गया भाई। चलो अच्छी बात है, आज उत्तप्पा खाएंगे। ये देखिए भाई, ये हो गया उत्तप्पा। हाँ और ये क्या है भाई, कुछ पुलाव वुलाव भी है क्या? अच्छा तो खाते हैं ये अपना उत्तप्पा। ऐसे खाएं भाई, फटाफट काम पे निकलते हैं यार खा के। ये उत्तप्पा चटनी से थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड अभी यहाँ से रेडी होते हैं, खा के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फेस वॉश करते हैं और निकलते हैं सीधा गाड़ी क्लीन वगैरह करके। फिर जो भी है आपको आज का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ आज का, कि ड्राइवर लाइन तक क्या फेस कर रहा है। तो आज मोदी जी भी आ रहे हैं, तो आज वेस्टर्न लाइन बंद होने वाला भी है सुबह के टाइम, तो जल्दी भागाऊंगा मैं। कुछ भी अगर ऐसा लगे वहाँ पे वेस्टर्न लाइन वगैरह बंद है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम। तो फ्रेंड निकल गए भाई, गाड़ी वगैरह क्लीन कर लिया, बहुत टाइम लग गया गाड़ी क्लीन करने में। पूरा अंदर से मैट साफ किया, पूरे सीट पे सैनिटाइजर करके सीट पूरा धोया पोछा, बाहर भीतर सब पूरी अंदर बाहर से पूरी गाड़ी क्लीन किया। 30 मुझे लग गए गाड़ी क्लीन करने पे। और सीएनजी अभी भी है इसमें गाड़ी भी मेरे 100 तक का, तो बुकिंग आया तो ठीक है, नहीं तो सीएनजी पे की तरफ चलते धीरे धीरे। और देखते हैं 11:30 करेक्ट मैंने डिवाइस ऑनलाइन किया है, और अब देखते हैं उबर ऑनलाइन कर दिया है, अभी ओला नहीं ऑनलाइन किया, बस ओला भी ऑन ही करने वाला हूँ। तब बोला आप लोग सलाह ब्लॉगिंग कर लो भाई, पसीना पसीना हो गया गाड़ी साफ करने का, बहुत मेहनत का काम भाई। सबसे तो ज्यादा मेहनत का काम जितना गाड़ी चलाना नहीं है, गाड़ी को साफ क्लीन और एकदम नीट रखना है। तो चलिए गाड़ी एकदम क्लीन हो गया, डेक्स वॉक्स एकदम मस्त एकदम चमक रहा है भाई। अब चलते हैं बूम बाम करने। फ्रेंड जो भी रहेगा डिटेल बताएंगे आप अपना। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ड्राइवर लोग की रहती है भाई, गाड़ी वगैरह क्लीन करके निकलो, धो पोछो एकदम अच्छे से, कपड़े भी गंदे हो जाते कभी कभी यार, नो प्रॉब्लम, ये सब होता रहता है भाई। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम भाई। तो आज पहला बुकिंग अपने को लग गया मानखुर सीएनजी पंप से ही। एक बंदा भाई मानखुर से थे तो सीएनजी पंप पे आए, उन्होंने सीएनजी पंप से करंजा कड़े पनवेल का लगा है। तो 32 का 367 ओला ने दिया है टोल के साथ, 327 प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से एग्जैक्ट दिया है। तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया हूँ, 367 पहला बुकिंग मिल गया। और करंजा कड़े पनवेल आके अब तो समझो फंस गया हूँ, यहाँ से बुकिंग मिलेगा नहीं, पनवेल स्टेशन की तरफ चलते हैं, वहां से अपने को बुकिंग मिल जाएगा। करंजा से बुकिंग साथ नहीं, उबर ऑनलाइन कर देता हूँ, क्योंकि उबर का यहाँ से मुझे इंटरसिटी ऑन करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि उबर का यहाँ इंटरसिटी वर्क करेगा। उबर भी ऑन कर देता हूँ, इंटरसिटी हो सके एक इंटरसिटी लग जाए भाई बूम बाम में। जो भी रहेगा भाई डिटेल बताते हैं अपने को। यहाँ करंजा से बुकिंग लगता है, करंजा कड़े से या फिर पनवेल जाने के पर बुकिंग लगता है, ये आपको बता दूंगा। करंजा कड़े पे मेरा एक्सपीरियंस एक बार और आया था तो बुकिंग था नहीं, पनवेल से ही बुकिंग लगा था। तो सेम यहाँ से भी अभी आपको जो भी डिटेल रहेगा बता देंगे, बुकिंग कहाँ से लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद बूम बाम करके या घूम घाम करके या फिर सोम साम करने के बाद। तो फाइनली फ्रेंड पनवेल से मुझे करीब 2 के बाद बुकिंग लगी है, और जो बुकिंग लगी मुझे वो T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुझे मिला है। तो 460 मुझे मिले हैं,
और मैंने ड्रॉप कर दिया है, नॉर्मल फेयर है। तो अच्छी बात यह है कि एक पैसेंजर ने जो लड़की उसकी माँ को माँ ने उसको ड्रॉप करके बोला मुझे रिटर्न जाना है, आप वेट करो बाहर। तो 900 रुपये में डील फाइनल कर लिया पनवेल के लिए। तो पैसेंजर देखो आते हैं या नहीं आते हैं, क्या है क्या नहीं है भाई, 900 रुपये में डील अच्छी है भाई, काम बन जाएगा अपना अगर यहाँ से मिल गए, क्योंकि आज काम हुआ नहीं है, दूसरी बुकिंग है मेरी और अभी बज चुके हैं 4:30, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं। तो 5 बज गए हैं, सिर्फ 2 बुकिंग हुआ है आप समझ लो, क्योंकि पनवेल में बुकिंग ही नहीं मिली थी, करीब ये समझ लो 4 घंटे बाद बुकिंग मिली है पनवेल से, 3 घंटे पनवेल में सो गया, 3 घंटे के बाद जो बुकिंग मिली मुझे वो T2 इंटरनेशनल का मिला, 560 रुपये मिले उसके मुझे। तो इस तरह से 560 और एक राइड का कितना मिला था पहले देखता। तो जो पहला बुकिंग था मेरा टोल के साथ मुझे 367 रुपीज पनवेल का मिला था। तो इस तरह से अपना जो आज का अर्निंग हो गया 367 और प्लस 560, तो 1000 रुपये का काम हो चुका है। और यहाँ से ड्रॉप करूंगा 900 रुपये का और काम हो जाएगा मेरा, तो इस तरह से 1900 का काम हो जाने वाला है। फिर देखते पनवेल से बुकिंग वगैरह वापस लगता है कि नहीं, पनवेल से वापस बुकिंग लगेगा कि नहीं पता नहीं। यहाँ से पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ 900 रुपये में, तो 1000 प्लस 900 1900 रुपये का ऐसे काम हो जाएगा। पैसेंजर का वेट करते हैं और देखते हैं, पैसेंजर अभी कॉल करेंगे मुझे तो कॉल एक्सेप्ट करता हूँ उनका मैं। सॉरी, जो अर्निंग है वो 900 रुपये का ही है अभी तक यार, हिसाब थोड़ा कच्चा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, नींद भी था ना, बहुत देर तक सोया था। तो 900 रुपये का काम आप समझ सकते हो, सुबह के 5 बजने आ गया, 12 बजे निकला था मैं, 5 घंटे हो गए। तो ऑलमोस्ट पनवेल जाके फंस गया यार करंजा खंडे, 3 घंटा ऑलमोस्ट वहाँ पे वेस्ट हो गया मेरा। पनवेल में हमेशा बुकिंग मिल जाती थी, लेकिन आज क्या पता क्या था, मैं स्टेशन पे आ गया था लेकिन बुकिंग मिली नहीं। एक कोरेगांव का बजा था मुझे जस्ट इसके आने से 10 मिनट पहले, नींद में था यार, उठा नहीं पाया, वो जैसे उठाने गया वो गायब हो गया। फिर 10 मिनट बाद अच्छा हुआ T2 बज गया। तो चलिए अब जो भी डिटेल है बताते हैं। और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी यार आज, अभी भी बहुत ट्रैफिक है, देखते हैं। उसके बाद अभी टोकन भी अपना चल रहा है, लेकिन टोकन वोकन से क्या फ़ायदा, जब अपने को बुकिंग पर्सनल मिल चुका है। तो हेलो फ्रेंड, आ गया हूँ वापस पनवेल। पैसेंजर आधे घंटे में किसी को जिसको छोड़ना था आ गई थी छोड़ के, तो अपने ड्रॉप कर दिए अपन पनवेल में। तो जो पनवेल का मैंने रिटर्न बुकिंग लिया वहाँ से प्राइवेट में लेके आया, तो 900 रुपये लेके आया। एक्चुअली जाते समय उनका फेयर 740 रुपीज़ हुआ था, तो आते समय मैंने बोला भाई पार्किंग का फीस भी करके लगता है, तो बस स्टॉप से उनको पिक कर लिया था, 900 रुपये लिया मैंने। तो ठीक था यार, अच्छा खासा अर्निंग हो गया यहाँ पे मेरा, जो अर्निंग कुछ भी नहीं था वहाँ पे, अभी मेरा 1800 रुपये का काम हो गया है। और 7:15 बज रहे हैं और पनवेल में हूँ, और पनवेल से तो बुकिंग मिल ही जाएगा अभी, तो वेट करते हैं और देखते हैं अभी पनवेल से बुकिंग कहाँ की लगती है अपने को, या जो भी रहेगा बताने वाले। तो इसीलिए मैं देखो बोलता हूँ, जो प्राइवेट या पर्सनल बुकिंग होती है उसमें फ़ायदा बहुत रहता है भाई। लेकिन हाँ, मैं कैंसिल करके बुकिंग नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुकिंग कैंसिल करूँ और लेके जाऊँ और सब पैसे जेब में रखूँ और पहले तो खूब भर भर के कमा लूँ और बाद में वो ID ब्लॉक हो जाए। एक बचपन में आपने कहानी सुनी हुई कि सोने की मुर्गी देने वाली मुर्गी, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना ही था। तो रोज रोज एक सोने का अंडा देता था उस, तो भाई साहब ने सोचा भाई पूरे अंडे ही निकालने, तो मुर्गी को काट के मार दिया उन्होंने। तो इसीलिए भाई बोलता हूँ, तो लालच अच्छी बात नहीं है, तो कैंसिल करके बुकिंग नहीं ले जाना है। मुझे जो जितना भी प्राइवेट बुकिंग मिलता है मुझे ऐसा ही मिलता है, कोई किसी को ड्रॉप करने जाता है तो वहां से आ जाता है, तो इस तरह से उसमें अच्छा अर्निंग भी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी रहेगा डिटेल बताते हैं। पनवेल में थोड़ा आराम करते हैं 1-1.5 घंटा यहाँ पे, और अब सोते हैं। और क्या कर ही सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं सोने के सिवाय, बताइए। बुकिंग खींच के तो ला नहीं सकते, बुकिंग आएगा नहीं जब तक सोएंगे, और क्या करेंगे। चलिए भाई, जो भी रहेगा बूम बाम करेंगे, और क्या। फ्रेंड फाइनली जो एयरपोर्ट से प्राइवेट बुकिंग लेके गया था पनवेल ड्रॉप करने के बाद, मैं करीब ऑलमोस्ट कितना टाइम सोया था कुछ पता नहीं, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा के अंदर ही मुझे एक बुकिंग लग गया था, वासी स्टेशन का लग गया था, जिसका 266 रुपीज मिला था। उसके बाद वहीं से मुझे सानपाड़ा से एक और बुकिंग लग गया मुझे, तो जो पाम बीच रोड से जो बुकिंग लगा मुझे T2 का लग गया था, ऊबर का बुकिंग था, और जिसका मुझे ऊबर ने कुछ अच्छा अर्निंग दिया भाई, 30 किलोमीटर था और समथिंग 500 रुपये दिया है, 500 रुपये के आसपास, 500 से ज़्यादा ही है टोल रिफंड के साथ। और एयरपोर्ट पे आता ही ऊबर का भाई बच गया, मैंने धनाधन 6 बुकिंग सर्च में, लेकिन मैंने नहीं लिया। 1.6 भी बच गया आज, लेकिन नहीं लिया ऊबर से, इतना गुस्सा हो गया हूँ मैं कि 1.6 उसका नहीं लिया।
लेकिन यार वो 1.6 था किधर का मालूम है, सांता क्रूज का बज रहा था भाई, वकोला बज रहा था। मैं बोला छोड़ो यार इतनी ट्रैफिक, 1.6 उबर का 1.2 के बराबर रहता है, तो मैंने नहीं लिया और सीधा निकल रहा हूँ घर पे। घनघोर ट्रैफिक है भाई इधर, और 40 मिनट का रूट दिखा रहा है, 20 मिनट का रास्ता। एयरपोर्ट से एमटी घर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी इतने ट्रैफिक में अब क्या गाड़ी चलाएं। 9:30 बज गया है अब ऑलमोस्ट, और बूम बाम भी हो गया है भाई, बूम बाम हो गया है। 2500 या 2600 रुपए का काम कर लिया मैंने, तो अपना टारगेट यही था भाई, काम आज कम काम, इतना काम हो गया 2500-2600 का काम। 180 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाया मैंने, 2600 के काम में 180 किलोमीटर गाड़ी चलाया, तो मतलब आज अच्छी खासी अर्निंग हो गई। जिसमें अच्छी खासी अर्निंग का मतलब एक प्राइवेट बुकिंग ने अच्छा खासा पैसा दिला दिया, जो ये CNG जाता था 800 रुपये में इतना अर्निंग होता था, आज 500 रुपये के CNG में ही इतना अर्निंग हो गया। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं भाई, अब हो गया है, अब इधर घूम घाम करते हैं। आप लोग ट्रैफिक का नज़ारा देख लो, ये मरोल नाका आ गया, और वेस्टर्न लाइन तो भाई अभी वासी से जाते समय तो जाम नहीं था, आते टाइम देखा भाई अपने राइट लेन में, बाप रे बाप, किलोमीटर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। मैं बोला भाई घर पे निकलो, बुकिंग वुकिंग नहीं लेना है, एक सर्च के चक्कर में भाई पैरों को दर्द नहीं देना, अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि अपना काम तो हो गया है और ऑलमोस्ट घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 घंटे हो जाएंगे, तो 10 घंटा बहुत है भाई आज के लिए ड्यूटी, लेकिन आज तो सोने में ज़्यादा गुजरा यार, मज़ा आया। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और घर पे जाके दिखाते हैं भाई नाश्ता वास्ता क्या बनाए आज, देखते हैं नाश्ते में क्या है, कुछ नाश्ता वास्ता स्पेशल रहेगा तो आप लोग को दिखा देंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे चुपचाप, और क्या करेंगे, बाहर से नाश्ता लेंगे। तो घर पे कॉल करते हैं भाई नाश्ता क्या बनाए पूछते हैं। तो चलिए जनता, लाल को काला कर देना और एक बटन को लाइक कर देना, अपने ड्राइवर की लाइफ ऐसे ही है भाई, कभी बिजनेस होता है कभी नहीं होता है। तो आजकल मैं 2500 का काम करके घर पे चले जा रहा हूँ, तो अभी मैं सर्च की बुकिंग जो 6 बुकिंग कंटिन्यू, 4 बुकिंग के नंबर हट जाता है, फिर भी उबर ने मुझे 6 बजा दिया सर्च में, तो मैंने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो इसलिए बजा दिया, कोई नहीं लेता भाई वो सब उबर की बुकिंग, सांता क्रूज अंधेरी ईस्ट क्या क्या बजा रहा है, कौन लेगा ये सब बुकिंग, हाँ फोकट बैठे है क्या सब नंबर लगा के। वो भी VIP वाला था, ऐसा नहीं कि आम नागरिक वाला बुकिंग नहीं था, VIP वाला बुकिंग था, मतलब सर्च वाली बुकिंग थी। तो भी चलो जाने दो, चले फ्रेंड अब चलते हैं घर पे, यहाँ से निकलते हैं। बटन दबा दो आप जब तक सब्सक्राइब का, और लाइक का बटन भी दबा दो, घंटा बजा के जाना, कृपा आने लगेगी आपको भी मुझे भी, धन्यवाद। फाइनल फ्रेंड घर पे आ गया हूँ, गाड़ी पार्क कर दिया हूँ, और आज भी एवरेज बूम माम था भाई, आज भी जो AC था वो आधा चला था आधा नहीं था। थर्ड सर्विस के बाद क्या हो गया यार, मजा आ रहा है यार सर्विसिंग में। आज गाड़ी जो चली है 192 और प्लस 6 किलोमीटर के बाद मैंने ट्रिप रिसेट किया था, भूल गया था CNG भरने से, 198 किलोमीटर चलने के बाद कितना पॉइंट CNG आप लोग को दिखाता हूँ। ला 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 ला, देख रहे हो भाई 192 प्लस 6 किलोमीटर बाद मैंने ट्रिप रिसेट किया था, 198 किलोमीटर चलने अभी अभी जस्ट 5वां पॉइंट डाउन भाई, तो यानी 4 पॉइंट अभी CNG है। तो भाई अभी ये 4 पॉइंट कितना किलोमीटर चलेगा भाई मुझे भी नहीं पता, मेरे हिसाब से ये 4 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है, 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये गाड़ी अभी और चलेगी। तो भाई जो एवरेज हो रहा है 280 जा ही रहा है थर्ड सर्विस के बाद, तो भाई दिल को बहुत तसल्ली मिल रहा है भाई, जो एवरेज इतना अच्छा दे रही है, 35 का एवरेज दे रही है हाईवे पे, 35 CNG में एवरेज गाड़ी निकाल के दे रही है मुझे, और बहुत अच्छा लगा रहा है। जिस हिसाब से फेयर कम किया उस हिसाब से मेरे एवरेज की वजह से काफी अच्छा कवर हो जा रहा है। जो भाई का एवरेज नहीं दे रहा है, तो एक एवरेज का ट्रिक बताता हूँ, मैं जब अप हिल चलता हूँ तो इतना ज्यादा बूस्ट नहीं करता हूँ गाड़ी, लेकिन जैसे डाउन हिल होता है तो मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर देता हूँ, या न्यूट्रल नहीं करता हूँ तो क्लच को फुल प्रेस कर देता हूँ, तो गाड़ी अपने क्लच अपन पूरा प्रेस कर दी, हाफ क्लच मत प्रेस करना, गाड़ी क्लच प्लेट जल जाएगा। अगर आप गाड़ी गियर में ही रखो, आप क्लच को पूरा प्रेस कर दो तो गाड़ी ऐसे ही न्यूट्रल में हो जाएगी, आप क्लच ने पूरा क्लच पूरा प्रेस कर दिया मतलब गियर हट गया तो गाड़ी पूरी न्यूट्रल में आ जाएगी। तो जैसे ही अंडर से 60 के नीचे गाड़ी आने लगी, क्लच फिर से छोड़ दो, 5वें गियर में ही गाड़ी रहने दो। इस तरह से डाउन हिल में कर करके CNG आप बचा सकते हो, मैंने ऐसे ही CNG बचाता हूँ। ऑलमोस्ट ये समझ लो मैं डेली 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो डाउन हिल, जो फ्लाई मुंबई में इतने सारे फ्लाई ओवर है तो फ्लाई ओवर से उतर उतर के मैं इतनी फ्यूल बचा लेता हूँ, और इसी तरह से मैं गाड़ी चलाता हूँ। और आपको पता है बसई नाला सुपारा से आते समय एक डाउन हिल आता है,
कई किलोमीटर तक आपको वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल कर दो गाड़ी, लेकिन न्यूट्रल मत क्या करो, क्रच प्लेस किया रखा करो और गाड़ी गियर में रखा करो, थर्ड में फोर्थ में गियर रखा करो, ताकि इमरजेंसी के समय आप क्लच प्लेट से पैर हटा दो और गाड़ी में ऑटोमेटिक इंजन ब्रेकिंग हो सके। इसलिए न्यूट्रल मत किया करो, क्लच लेके रखा करो गियर लगा के। और फ्रीवे में मुंबई से आते समय जैसे टनल क्रॉस करेंगे, टनल क्रॉस करके जैसे ही ब्रिज पर चढ़ेंगे वहां से न्यूटन करके आप सीधा इंडियन ऑयल नगर तक आ सकते हो। तो ऐसे कई जगह जहां पे पूरी तरह से गाड़ी न्यूट्रल करके हम आ सकते हैं, मतलब एकदम सीएनजी की बचत। तो फ्रेंड सीएनजी बचाना सीखो, जरूरी नहीं आप एटी में ही घसीटे रहो गाड़ी, फ्लाईओवर से उतरोगे आपको 60-70 गाड़ी आपकी चलेगी चलेगी, तो आप वहां पे एटी के चक्कर में आप अपना सीएनजी बचाओ यार, क्यों गाड़ी को जबरदस्ती रेस देते हो। तो आज आपका एवरेज दिखा दिया 198 किलोमीटर चलने के बाद 4 पॉइंट सीएनजी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। एक बार और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर चलेगा, 100 किलोमीटर ये 4 पॉइंट चलेगा, यानी आज ये 190 पार कर देगा, 290 पार कर। तो चले फ्रेंड आपको दिखा दिया वैगनआर 2022 का माइलेज टेस्ट भी मैंने पूरी तरह से कर लिया भाई, बहुत बढ़िया एवरेज देता है गाड़ी, थर्ड सर्विस के बाद से एवरेज निकाल के दे रहा है, सेकंड सर्विस तक ये गाड़ी 240 245 250 दे रहा था, थर्ड सर्विस के बाद 265 280 270 और यहां तक का आ गया है। तो चलिए फ्रेंड, लाल को काला बनता, जनता एक लाइक तो बनता, बाय बाय भारत माता की जय, जय हिंद। फाइनली भाई घर पे आ गए और नाश्ता तो भाई एकदम होममेड, आज मेंदू वड़ा बना हुआ है और नाश्ता लंच सब एक साथ होएगा भाई, क्या नाश्ता क्या लंच, ये होममेड भाई मेंदू वड़ा सांभर मेंदू वड़ा चटनी सब मिक्स कर लिया भाई घर का और इसे खाता हूँ भाई, टेस्टी है। और आलू की सब्जी, ये खाली आलू है और एकदम कुरकुरा किया हुआ आलू की सब्जी है, ये भी मज़ा आता है। और प्याज है मेरा और दाल मेरा फेवरेट चीज़ है भाई, देसी घी डाल के, थोड़ा सा चावल, आज जीरा राइस नहीं, आज सादा राइस मिला मुझे, और चावल भी भाई देखो मुझे पसंद है भाई, थोड़ा जो चावल बनता खा ही लेते हैं। और रोटी में सिर्फ छोटे छोटे दो रोटी बस भाई, प्याज सब्जी दाल और ये अपना नाश्ता, नाश्ता लंच सब एक साथ होएगा और अभी चाय भी मिल जाएगा, चाय भी पीऊँगा खाने के साथ। तो आज का रूटीन यही ख़त्म होता है और कल फिर शुरू करते हैं, आज रात में फिर निकलेंगे और देखते हैं फिर कैसा धंधा रहता है कैसा नहीं रहता फ्रेंड्स।